नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में दो सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया है। 2 तारीख को परिणाम आने वाला है, लेकिन परिणाम से पहले राजद कार्यालय में ताला लग गया है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, कल परिणाम आने वाला है, लेकिन आज ही राजद कार्यालय में ताला लगा हुआ है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी। सर, ताला लग गया है परिणाम से पहले राजद कार्यालय में। देखिए, ये लोग रणछोड़ दास रहे हैं। बताइए, आप युद्ध में गए, आप चुनाव में गए, और नियमता यह है कि जब तक परिणाम नहीं आता तब तक कुछ कंप्लीट नहीं होता, बीच में ही निकल लिए। जो इनको लोगों कहते आए हैं नेशनली, वो ट्रेंड भी हुए हैं राजद के राजकुमार कि ये भगोड़ा है, उसी के तहत आप देखेंगे कि ताला लग गया। वो भी ताला कहाँ लग रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो 24/7 का जॉब होता है। आप समाज सेवा में या राजनीति में आते हैं तो कोई छुट्टी नाम का शब्द नहीं होता, लेकिन वहाँ ताला लग गया, वो भी कब? रिजल्ट के 1 दिन पहले। अरे भैया, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे कि आप कितनी भी जोर लगा दो, कुछ भी कर लो, बिहार की जनता और उस दोनों सीट की जनता नीतीश कुमार जी को ही आशीर्वाद देगी, इस बात का उनका अंदाजा लग गया है, इसलिए ये लोग छुप गए हैं। अच्छा, लगातार आप लोग के ऊपर आरोप लगते रहा, वीडियो वायरल करते रही RJD की, साड़ी वितरण कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी है। आप ही के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार में शराबबंदी लगाई, लेकिन आप ही लोग के ऊपर आरोप लग रहा है शराब बांटने का। देखिए, ज्ञान का अभाव जब रहेगा ना, तो वो व्यक्ति इस तरह का ही कार्यों को इस्तेमाल करेगा। सभी जानते हैं कि जब चुनाव घोषित होता है तो सब कुछ चुनाव आयोग के पास चला जाता है। अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट, तो आप जाके चुनाव आयोग के समक्ष रखिए, और अगर आपकी कंप्लेंट में साक्ष्य सबूत में अगर दम होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। एक कंप्लेंट उनका माना गया क्योंकि उसमें कुछ दम लगा है। और जो वीडियोस बना रहे हैं, भाई कौन बना रहा है ये भी तो बताइए। सामने 2 महिला को खड़ा कर दिया, अपने साड़ी डाल लिया हाथ में और वीडियो बना दिया, कौन पूछ रहा है सवाल? हम वो भी जानना चाह रहे थे। नाम तो जदयू का ले रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। देखिए, गांव ग्रामीण परिवेश के लोग कितने सीधे होते हैं, वो कोई भी जाता है और आप उनको कुछ कह दीजिए कि बोल दीजिए तो वो बोल दिया करते हैं, ये प्रैक्टिकली यही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चलिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ थे, तो भाई आप आयोग जाते ना, आयोग जाते, वहाँ साक्ष्य सबूत रखते और वो मानते, तब हम पे ये ब्लेम लग सकता था। आपने एक ऑफिसर का कंप्लेन किया, वो वहाँ से हटे, हमने भी एक वीडियो जारी की कि ऐसा नहीं है, आपके भी जो अफसर सब भरे पड़े हैं इसमें, और जो कुशेश्वर स्थान में पूर्व में वीडियो थे उनका वीडियो हमने रिलीज किया कि वो किस तरह लालू जी की धमकी दे रहे हैं कि अगर लालू जी को अगर वोट नहीं किया गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के। तो इनकी सोच समझ सबको पता है और इनके काल को भी सभी जानते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। हम लोग हमेशा फेयर इलेक्शन के लिए जाने जाते हैं और चाहते भी हैं। उनको बस हम पे आरोप लगाने से पहले एक चीज़ बस याद रखना चाहिए कि देश में पहली बार चुनाव स्थगित हुआ तो लालू प्रसाद यादव जी के कारण हुआ। छपरा लोकसभा का चुनाव स्थगित हुआ और कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी ने बूथ को लूटा। तो भाई, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा रहा है, वो हम पे क्या सवाल उठाएंगे? लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि ये लड़ाई जो है तीर और लालटेन की नहीं है, ये लड़ाई है जनता बनाम सरकार। देखिए, जनता ने 2005 के फरवरी में भी इनको 75 सीट दिया था, 2020 में भी ये 75 पे हैं। शुरू से लेके आज तक भाई आप विपक्ष में ही रहे, जनता ने ही विपक्ष में पहुंचाया ना, हमने तो नहीं पहुंचाया। हमने भी अपनी बात कही, आपने भी अपनी बात कही, हम NDA के तहत लड़े, आप UPA के तहत लड़े, जनता ने NDA को वोट किया, हम सरकार में हैं। तो भाई, जब NDA को सरकार मैंडेट दे रही है, जनता मैंडेट दे रही है NDA को, तो फिर उसके बाद कहाँ सवाल उठता है? हम भी तो जनता ही से मैंडेट लेके आए हैं। बाकी चुनाव का परिणाम में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कल 8 बजे तक इनको जीतने दीजिए, जितना जीतना है, जितने तरह के क्लेम करने हैं, फाइनली यही होगा कि हम जीतेंगे और जो ये युवराज हैं ये अगले दिन मिलेंगे दिल्ली प्रदेश में, और दिल्ली वाले जो युवराज हैं वो मिलेंगे किसी भी देश में। अच्छा, कल जदयू कार्यालय में मिठाइयाँ बटेंगी? एकदम बटेगी, निश्चित रूप से बटेगी, और इसलिए बटेगी कि जनता हमारे साथ लगातार है और नीतीश जी के नेतृत्व पे विश्वास रख रही है ये जनता, और नीतीश जी भी इनके विश्वास को तोड़ते नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से कल बटेगी और मैं कहता हूँ कि आप लोग भी आइएगा और देखिएगा कि मिठाइयाँ हम लोग ही खाएंगे। चलिए, तो जदयू के प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर कह दिए हैं और आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप लोग भी आइएगा और देखिएगा कि मिठाइयाँ हम लोग ही बांटेंगे और हम लोग ही खाएंगे, यानी दोनों सीटों पर जीत इनकी ही होने वाली है।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एनबीसी।